तो ये हमारी हरे अरहर की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। इस रेसिपी के लिए हमने 400 ग्राम के आसपास अरहर के छीमी को लिया है, जिसे छील के हमने ये लगभग 250 ग्राम के आसपास इसका दाना निकला है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे ताकि इसमें जो कसैलापन होता है उसका वो निकल जाए। बॉईल करने से इसमें इसका जो कसैलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए हमारा फाइनली बॉईल हो चुका है। इसे लगभग हम 7 से 8 मिनट तेज फ्लेम पर बॉईल करेंगे। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाला है और उसके बाद हम यहाँ पे खड़ा जीरा ऐड करेंगे। इसमें खड़ा जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, जिसको कि हमने 2 हरी मिर्च लिया है और 2 भागों में से काटा है। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे इसमें। प्याज हमने 1 लिया है मीडियम साइज़ का। आपको प्याज कम ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से इसे डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने कूट के तैयार किया था। ये अदरक हमारा 1/2 इंच है और 5 से 6 जो है लहसुन की कलियाँ। तो इन सबको हम डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने 1 बड़े साइज़ का लिया है और टमाटर को भी फिर हम इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपनी गैस के फ्लेम को तेज़ कर देंगे, बिल्कुल हाई पे रख देंगे। तो ये देखिए हमारा टमाटर भी ये लगभग भुन चुका है, इसका पानी सूख चुका है। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ये अरहर के दाने को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने इसे छान के निकाल लिया था, जो बॉईल किया था हमने गर्म पानी में। तो इस अरहर को फ्रेंड्स बहुत जगह तुअर भी बोलते हैं। हम लोग की तरफ इधर अरहर बोलते हैं, लाहर बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने 1/2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा धनिया पाउडर और 1/2 से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इसमें कलर लाने के लिए थोड़ी सी ऐड किया है। और अब हम थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे, जितनी क्वांटिटी हो आपकी। तो इन सबको हम मिलाएंगे। मसाला डालने से पहले हम ये जो अरहर के दाने हैं इसे भी लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। पानी हमने 1/2 कटोरी भी डालेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से मसाले को मिला के भुनेंगे। मसाले को हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद थोड़ी सी पानी और ऐड करेंगे हम, 1/2 कटोरी और पानी ऐड करेंगे हम, ताकि ये अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो सके। ये देखिए हमारा पानी का जो मात्रा है बिल्कुल ठीक ठाक मात्रा है। ये थोड़ी सी उबाल आने पे ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा फाइनली हरे अरहर के दाने की रेसिपी बनके तैयार है। इसमें लास्ट में हम थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। इससे थोड़ा सा टेस्ट और इसका बढ़ जाता है। तो ये फाइनली हमारा बन चुका है अरहर, हरे अरहर की सब्ज़ी। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इस प्रकार से बना के आप रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर ऐसे नाश्ते के रूप में इसे खा सकते हैं। ये लगभग छोले टाइप का ये रेसिपी बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। एक बार आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है और हमें टेस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।